नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स की रटलो सीरीज के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जब भी देश या प्रदेश में कोई बड़ी परीक्षा आयोजित होती है तो संस्थान द्वारा रटलो सीरीज हमेशा आपके लिए लाई जाती है। इसी क्रम में एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रदेश में दो बड़ी परीक्षाएं अगले माह आपकी आयोजित होने वाली है, एक तो UPPCS और दूसरा जूनियर असिस्टेंट। इन्हीं दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस रटलो श्रृंखला को आपके सामने फिर एक सवाल लाया गया है। जो भी सदस्य NTPC और UPSI दे रहे हैं उनके लिए भी यह श्रृंखला समान रूप से उपयोगी होगी। आप जानते हैं कि रटलो श्रृंखला में मैं पिछले पूरे 9 से 10 महीने के करंट को प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्याख्यात्मक रूप से आपको हल कराता हूं। आप सभी देखने वालों से मेरा निवेदन है कि जब आप इस रटलो सीरीज को देखें तो पेन और कापी हमेशा आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि संख्यात्मक मान के हिसाब से देखें तो ये प्रश्न 35, 40 या 45 हो सकते हैं, लेकिन अगर व्याख्यात्मक रूप से देखें तो लगभग 150 प्रश्नों की तैयारी करंट अफेयर्स की हम लोग रोज करते हैं। तो अगर 6 से 7 रटलो जो आपके आ रहे हैं अगर हम इनको देखते हैं तो हम पूरे करंट से अपडेट हो जाएंगे और लगभग प्रश्न आपको इस श्रृंखला में से मिल जाएंगे, जैसे विगत वर्षों की परीक्षा में हमेशा होता रहा है। पूरी तरह से अध्ययन करके, रिसर्च करके आपके लिए श्रृंखला को का आयोजन किया जाता है और कोशिश की जाती है कि एक भी त्रुटि इसमें ना हो। एक और बात मैं आपको यहीं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप में से काफी लोग जो है हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि सर रटलो सीरीज हमेशा जारी रहनी चाहिए। हर विषय को पढ़ने की एक प्रकृति अलग होती है। करंट एक ऐसा भाग है कि हमेशा रटलो सीरीज जारी नहीं रह सकती, इसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रटलो सीरीज 6 से 7 पार्ट में हमेशा संस्थान की तरफ से आपके लिए आयोजित की जाती रहेगी, जब भी किसी बड़ी परीक्षा को का आयोजन होना होगा। जैसे अभी यदि हम देखें तो इस समय UPPCS, जूनियर असिस्टेंट, UPSI और NTPC के जो भी सदस्य है वो इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की। आइए पहले प्रश्न के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल 2019 प्राप्त करने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो गौर से देखिए, यहां पर 4 नाम आपको दिए गए हैं, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डेल्पो, माइकल क्रेमर, पीटर हैंड के। वैसे तो यदि हम देखा जाए तो 2019 में जो आप लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनमें चारों ही नाम शामिल हैं, लेकिन पीटर हैंड के महोदय जो हैं इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल 2019 प्राप्त करने वालों की सूची में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पीटर हैंड के। बाकी इन तीनों ही लोगों के लिए अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभिजीत बनर्जी को भी प्रदान किया गया है, एस्थर डेल्पो को भी प्रदान किया गया है और माइकल क्रेमर को भी प्रदान किया गया है। भारतीय मूल के हैं अभिजीत बनर्जी, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। 2 पुस्तकें हैं, पहली पुस्तक इन दोनों की संयुक्त पुस्तक है जिसको कहा गया पुअर इकोनॉमिक्स, पुअर इकोनॉमिक्स, जिसमें गरीबी उन्मूलन के उपायों के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। और दूसरी एक अभिजीत बनर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक है पुअर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, पुअर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। चलिए, जब भी कोई प्रश्न आएगा तो मैं बोर्ड से इसलिए हट जाता हूं ताकि आप स्पष्ट रूप से प्रश्न को पढ़ सकें और देख सकें। तो ये पहले प्रश्न की व्याख्या थी। दूसरे प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, चलिए देखिए, संस्थान की तरफ से कुछ सूचना है, रेगुलर प्रोसेस है, मैं आपको प्रदान कर दूं। संस्थान में बहुत जबरदस्त NTPC का क्रैश कोर्स बैच आयोजित किया जा रहा है। अगले 2 से 3 दिनों बाद इसकी जो है कक्षाएं प्रारंभ होंगी। 55 दिन का एक क्रैश कोर्स है ना। आपको इस क्रैश कोर्स में कैसे एडमिशन लेना है, आप अपने इस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव करिए और व्हाट्सएप पर एंट्री NTPC लिखकर भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर फोन करके भी आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका दूसरा प्रश्न है यहां पर। हाँ, नीति आयोग द्वारा जारी नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम भारतीय नवाचार सूचकांक 2019 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य का प्रथम स्थान है? देखिए, भारत में अभी तक आप नवाचार सूचकांक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ते थे,
भारत में भी नीति आयोग ऐसी संस्था है जिसके द्वारा पहली बार नवाचार सूचकांक जारी किया गया है। तो यहां से दो प्रश्न आपके लिए बनते हैं कि भारत में नवाचार सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो आप ध्यान दीजिएगा नीति आयोग। अब इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करिए, हाँ, किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो सबसे प्रथम स्थान है आपका इसमें कर्नाटक का, कर्नाटक राज्य का सबसे प्रथम स्थान है। झारखंड राज्य का सबसे अंतिम स्थान है, झारखंड राज्य का सबसे अंतिम स्थान है, और उत्तर प्रदेश का सातवां स्थान है, सेवेंथ पोजीशन पर आपका उत्तर प्रदेश है, सातवां स्थान आपके उत्तर प्रदेश का है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान धर्म और दर्शन पर पांचवी विश्व संसद 2019 का आयोजन कहां किया गया, बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करिए। तो इस संसद का जो आयोजन है वो किया गया महाराष्ट्र में, कहां किया गया महाराष्ट्र में, चार विकल्प थे आपके, तो इस संसद का जो आयोजन किया गया वो किया गया महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया, जिसका विषय था क्या, मानव कल्याण एवं मानव जाति के कल्याण के लिए विज्ञान धर्म और दर्शन की भूमिका, मानव जाति के कल्याण के लिए मानव शांति के लिए विज्ञान धर्म एवं दर्शन की भूमिका, इसका विषय था, महाराष्ट्र के पुणे में इसको आयोजित किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 92वें ऑस्कर 2020 में भारत की तरफ से किस फिल्म की आधिकारिक प्रविष्टि प्रदान की गई, चलिए ऑस्कर 92वें ऑस्कर 2020 में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि अंतरराष्ट्रीय फिल्म गैलरी में जिस फिल्म को प्रदान की गई उसका नाम है गली बॉय। चार नाम आपको दिए गए थे, राजी, वाला, उड़ी और गली बॉय, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, गली बॉय इसका सही उत्तर होगा। आइए, रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म है गली बॉय। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पहला स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया, किस संस्था द्वारा जारी किया गया, चार विकल्प आपके सामने हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी, राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद और नीति आयोग। तो यह जो सूचकांक जारी किया गया नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग इस समय एक बहुत एक्टिव संस्थाओं में से एक है और भारत के बुनियादी विकास पर काम कर रही है, तो ये सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिसमें समग्र रूप से इसमें दो तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, समग्र श्रेणी में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, मैं यही स्पष्ट कर दूं आपको, है ना, केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और आपको जानकर आश्चर्य होगा उत्तर प्रदेश को समग्र श्रेणी में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश को समग्र श्रेणी में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर वृद्धिशील राज्य की बात करें तो वहां पर हरियाणा प्रथम है ना, अभी आगे मैं इसको स्पष्ट करूंगा, तो ध्यान रखिएगा पहला स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी है, समग्र श्रेणी में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है और वृद्धिशील श्रेणी में हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइए छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्षमता के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। चार नदियों के नाम दिए गए हैं, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी। तो ये परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और तेलंगाना राज्य में स्थित है, कहां पे, तेलंगाना राज्य में स्थित है। आइए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें से सही कथनों का चुनाव करिए, एक बार अच्छे से जो है आप पढ़े इन कथनों को। आइए, इतिहास से जुड़ी हुई विषय वस्तु है, अच्छे से पढ़िए। वर्ष 2019 में रॉलेट सत्याग्रह ने के 100 वर्ष पूरे हुए, बिल्कुल सही बात है, इसके 100 वर्ष पूरे हुए क्योंकि यह मार्च 1919 की घटना थी और इसने अपने 100 वर्ष को यहां पे क्या किया, पूरा किया। दूसरा है आपका, वर्ष 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे हुए, यह भी सही है क्योंकि 13 अप्रैल 1919 की घटना थी और इसकी भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 में इम्फाल कोहिमा युद्ध के 75 वर्ष पूरे हुए, यह भी सही है क्योंकि ये युद्ध 1944 की एक घटना थी, मार्च से जुलाई के बीच की, तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है। और चौथा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, हाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा, जिसका जो वर्तमान नाम है वो म्यांमार है, उसको कब्जा कर लिया था, ये भी सही है। तो इस कथन के हिसाब से चारों करंट की विषय वस्तु है और बी ऑप्शन सही है आपका,
ए बी सी डी चारों ही विषय वस्तु बिल्कुल क्या है आपकी सही है। अभी आपको ये ध्यान रखना है ये करंट है इतिहास का जो यहां पे कनेक्ट हो रहा है आपका 2019 में। आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। देखिए जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं ये केंद्रीयकृत योजना है जो 18 से 40 वर्ष के लोगों की योजना है और जिसमें निश्चित किया गया है कि 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को 3000 रुपए के लगभग जो है भुगतान किया जाएगा। तो यही इसमें कथन के रूप में पूछा गया है। इस योजना में शामिल होने वालों की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है, सही है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, यह भी सही है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, 1, 2 एवं 3। क्लियर, तीनों ही सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा किस समिति ने तैयार किया था। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है इस समय परीक्षार्थियों के लिए भी, प्रतियोगियों के लिए भी, है ना, क्योंकि काफी परिवर्तन हो रहा है और जो लोग टीचर्स की नौकरी से जुड़े हुए हैं, अध्यापन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मसौदा बहुत काम का है। एक परंपरागत ढांचे से अलग हटते हुए, है ना, के कस्तूरी रंगन समिति द्वारा बहुत अच्छे प्रावधान इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा वो पहला होगा, बताइए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, है ना, कौन सा होगा, के कस्तूरी रंगन समिति इसका सही उत्तर होगा। दसवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 मई 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, बिल्कुल सही है। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय कर जल शक्ति मंत्रालय गठित किया गया, यह भी सही है। भाजपा सांसद ओम बिरला को निर्विरोध 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया, बिल्कुल सही है, जो राजस्थान के कोटा का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजस्थान से आते हैं, तीनों ही कथन सही है। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा वी, 1, 2 एवं 3। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, 2 से 4 अक्टूबर 2019 के मध्य विज्ञान धर्म और दर्शन पर 5वीं विश्व संसद का आयोजन कहां किया गया, पुणे में किया गया। अभी इस प्रश्न को एक बार डिस्कस किया जा चुका है। आइए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर सबसे बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है। देखिए मैंने आपसे कहा था समग्र प्रदर्शन के आधार पर केरल का प्रथम स्थान है, क्लियर है, लेकिन वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर अगर हम लोग देखें तो हरियाणा ने एक्सीलेंट किया है और इसमें हरियाणा का स्थान सर्वप्रथम है। वृद्धिशील प्रदर्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहां पर हरियाणा का स्थान सबसे पहले है, आप लोग याद रखिएगा। आइए याद करिए, हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहीं से शुरू किया था और आज हरियाणा एक्सीलेंट कर रहा है, तो ये एप्रिसिएशन की बात है हरियाणा राज्य के लिए। आइए 13वां, 31 अगस्त 2019 को किस प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय जन नागरिक रजिस्टर एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई, असम राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा, असम राज्य के द्वारा अंतिम सूची जारी की गई। आइए 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में किस सिख गुरु के जन्म की 550वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अभी आप जान रहे हैं बड़े आयोजन इस पर किए गए थे, हाँ, तो आप बताइए इनका नाम क्या है, गुरु नानक देव। क्या नाम है, गुरु नानक देव। इनका जो जन्म था वो प्राचीन तलवंडी नामक नगर में हुआ था जिसको बाद में रायपुरा भी कहा गया। वर्तमान समय में इनके जन्म स्थान को हम ननकाणा साहिब कहते हैं, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ननकाणा साहिब कहते हैं, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ननकाना साहिब कहते हैं। आइए तो इसका सही उत्तर होगा गुरु नानक देव। आइए 15वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी ने किन स्टेशनों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, आप जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, हां, चलाई, तो आपका इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य। ट्रेन से संबंधित 2-3 प्रश्न जो है आपके यहां पर महत्वपूर्ण है। आइए देखिए
कुछ एक छोटी सी जानकारी मैं अपने बारे में भी दे दूं। ये मेरी किताब है रीजनिंग की, आप में से बहुत सारे लोग इस किताब से पढ़ रहे हैं और इस किताब को सराह भी रहे हैं, है ना। ये रीजनिंग की वर्बल नॉन वर्बल की एक जबरदस्त किताब है जो लगभग 700 पेज की है, जिसमें प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअल दोनों है। आप इस किताब को मंगवा सकते हैं, पिछले 2 वर्षों में बेस्ट सेलिंग बुक है ना, और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने खरीदी है। यहाँ से आपको ये समय डिस्काउंट में किताब दी जाती है जब मैं सीधे इसको प्रमोट करता हूँ, तो आपको मैं एक नंबर देता हूँ 9452275777, एक नंबर है, इसके व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप पे या तो बुक लिख कर भेज दीजिए या तो इस पर कॉल कर दीजिए। डाक या कुरियर फ्री है, आप पूरे भारत में कहीं भी रह रहे हो यह किताब आपको पहुंचा दी जाएगी, और आप किसी भी देश और प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, मेरा आपसे वादा है कोई भी प्रश्न या कोई भी विधि आपकी इस किताब से बाहर नहीं होगी। यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो इतनी सरल भाषा में किताब लिखी गई है, रीजनिंग की किताब है, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल और एनालिटिकल और लॉजिकल तीनों ही तरह के प्रश्नों का और कॉन्सेप्चुअल समावेश किया गया। जैसे यहाँ पे लिखा है यह कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिस दोनों है, मतलब प्रत्येक जो है पाठ से लगभग 150 से 200 प्रश्न है आपको, और पूरा कॉन्सेप्ट सरलतम रूप में बताया गया है ताकि आप सीख सके। तो अगर आप इस किताब को लेते हैं तो इसके अलावा फिर जीवन में आपको किसी रीजनिंग की किताब को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, और आप पढ़ के किसी दूसरे को भी ये किताब दे सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है, आप पूरे भारत में मुझे कहीं से भी देख रहे हो, आप इस नंबर पर बुक लिखकर भेज दें, हम 7 से 8 वर्किंग डेज में किताब आपके घर डिस्पैच करा देंगे। जो लोग प्रयागराज या इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश में, वो किसी भी बुक स्टॉल से वो इलाहाबाद की इस किताब को खरीद सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं किताब के बारे में, थैंक यू सो मच। फ्रेंच ओपन 2019 की विजेता निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो पहले तो आपको ये आना चाहिए कि विजेता कौन है सबसे पहले, और फिर आपको ये आना चाहिए कि किस देश से संबंधित है। तो विजेता जो है वो विजेता है यहां पे राफेल नडाल साहब, और ये स्पेन देश के हैं। जो विजेता है वो कौन है? राफेल नडाल साहब, और स्पेन देश के हाँ खिलाड़ी है। तो इसका सही उत्तर होगा स्पेन। 17वां प्रश्न, धारा 370 और 35A के समापन के बाद, हाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान जम्मू और कश्मीर में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया था, और 31 अक्टूबर से भारत को 2 नए केंद्र शासित मिले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। तो पहले जम्मू कश्मीर में जो जिलों की संख्या थी वो 22 थी, लेकिन वर्तमान समय में जो जिलों की संख्या है वो क्या है? 20 है, क्योंकि जो 2 जिले हैं कौन कौन से, एक तो आपका लेह और एक आपका कारगिल, ये दोनों जिले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। वर्तमान समय में 31 अक्टूबर के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कितने राज्य हैं इस समय? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए इसका सही उत्तर होगा 20, पहले 22 थे इस समय 20 है, ध्यान रखिएगा। 18वां, नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास में भारत के साथ किस देश की सेना ने हिस्सा लिया? मंगोलिया की सेना ने हिस्सा लिया, और यह थल सेना का युद्धाभ्यास था, थल सेना से संबंधित युद्धाभ्यास था। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? मंगोलिया होगा। आइए 19वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, उद्योग 4.0 निम्न में से किससे संबंधित है? आइए देखिए एक प्रश्न है आपके सामने, आइए उद्योग 4.0 निम्न में से किससे संबंधित है, चलिए उत्तर करिए। हाँ, इसको चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है। देखिए इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है चौथी औद्योगिक क्रांति, है ना, चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है। किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में हुआ था, तो ये रेलवे से संबंधित योजना है, और इसका उद्घाटन जो हुआ है वो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में हुआ है। इससे जुड़ी एक और चीज बता दूं मैं, उत्पादकता कनेक्टिविटी और डाटा एक्सचेंज को बेहतर बनाने के लिए, उत्पादकता कनेक्टिविटी और डाटा एक्सचेंज को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने जो है IITs के साथ एक जो है कोलैबोरेशन किया है
ताकि रेलवे तकनीकी रूप से और मजबूत हो सके और अच्छी ग्राहक सेवा आपको प्रदान कर सके, सुरक्षित ग्राहक सेवा आपको प्रदान कर सके। तो ये रेलवे इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इसका उद्घाटन हुआ है, उद्योग 4.0, जिसको चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी सुमन योजना का संबंध, सुमन योजना का संबंध निम्न में से किससे है बताइए? पर्यावरण, शिक्षा, शिशु मातृत्व, गैस आपूर्ति। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिशु मातृत्व, है ना। जन्म के समय माता और शिशु, जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित रखने के लिए, इनकी मृत्यु को रोकने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उनके द्वारा एक नई योजना का आयोजन लागू किया गया, सुमन योजना। आइए 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस बार की नवनिर्वाचित लोकसभा में कुल कितनी महिलाओं को विजयश्री हासिल हुई है? हाँ, कितनी महिलाओं की संख्या कितनी है इस बार की लोकसभा में बताइए? तो इस बार की लोकसभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? 78, जो कुल का लगभग 14% है। अगर देखा जाए तो 17वीं लोकसभा में 14% कुल की हिस्सेदारी है, जो किसकी है बताइए? महिलाओं की है, जिसमें चंद्रानी मुर्मू है ना, ये जो है सबसे कम उम्र की जो है महिला सांसद है, सबसे कम उम्र की महिला सांसद है। ये उड़ीसा की क्योंझोर सीट से विजयी हुई है, उड़ीसा की क्योंझोर सीट से विजयी हुई है। और ये बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजू जनता दल, ये उनकी सदस्य है। और जब ये विजयी हुई तो लगभग इस समय उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। आइए आगे बढ़ते हैं, 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर शहरों की रैंकिंग में इंदौर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। बिहार के सहरसा को अंतिम स्थान 425वां प्रदान हुआ है, ये भी सही है। उत्तराखंड के गौचर को सर्वाधिक स्वच्छ गंगानगर घोषित किया गया है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही आपके जो डाटा दिए गए हैं सही है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए, इंदौरवासी से सीखने वाला है। आइए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत जो है किस स्थान पर रहा बताइए? हाँ, 23वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। 68वें स्थान पर हम लोग इस वर्ष हैं, 68वें स्थान पर रहे हम लोग। आइए 24वां, अक्टूबर 2019 में किस देश ने 1 जनवरी 2019 से 2020 से ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की, है ना, ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? इक्वाडोर इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या है? इक्वाडोर है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज इक्वाडोर ने 1 जनवरी 2020 से ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। आइए 25वां प्रश्न है आपका, वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक शरणार्थी किस देश में है? आप कॉमन सेंस से भी इसका उत्तर कर सकते हैं। हाँ, वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक शरणार्थी किस देश में है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? सीरिया, सीरिया इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, 26वां प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश हाल ही में कौन बना है बताइए? हाँ, उत्तर करें तेजी से, सब आप पढ़ चुके हैं, बताइए जल्दी कौन सा देश है? ताइवान। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला उत्तर, हाँ, एशिया का पहला देश कौन है? ताइवान है। 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है विपो, चौथा विकल्प आपका सही है ना, कार्नेल विश्वविद्यालय द्वारा आपका जारी किया जाता है। और इस बार के जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसमें प्रथम स्थान आपका स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और यदि हम भारत के स्थान की बात करते हैं तो भारत का स्थान इसमें 52वां है, 52वां। क्लियर? थीम थी वैश्विक नवाचार सूचकांक की, इस बार की जो थीम थी, स्वस्थ जीवन का सृजन, चिकित्सा में नवाचार का भविष्य। इसकी जो थीम थी वो थी स्वस्थ जीवन का सृजन, चिकित्सा में नवाचार का भविष्य, ये इसकी थीम थी। आइए अगला, कार्नेल विश्वविद्यालय द्वारा जारी 28वां, 23 जुलाई 2019 को बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और वो किस पार्टी के नेता थे? कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, है ना,
एक बड़ी उथल पथल के बाद जो है बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है। आइए 29वें प्रश्न की तरफ। दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा कब से कब तक किया जाएगा? अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2021 तक। बी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2021 तक इसको आयोजित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्कर्ष 2022 भारतीय बैंक की मध्यम अवधि कार्यगति रूपरेखा, हाँ मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क, जिसका शुभारंभ जुलाई 2019 में किसके द्वारा किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? उत्कर्ष किसकी योजना है? भारतीय रिजर्व बैंक की। हाँ आइए, जो आसान प्रश्न है उनकी कोई ज्यादा व्याख्या नहीं करने की आवश्यकता है। खगोलविदों ने हाल ही में, इसको जरूर देखिएगा, ये विज्ञान टेक्नोलॉजी में प्रश्न आपको मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। खगोलविदों ने हाल ही में एक विशाल न्यूट्रॉन तारे, हाँ जीओ 740 प्लस 6620 की खोज की है। इससे संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने खोज की है, सही है। उन्होंने इस खोज हेतु नेशनल साइंस फाउंडेशन के ग्रीन बैंक टेलीस्कोप का GBT का उपयोग किया था, सही है। यह न्यूट्रॉन तारा पृथ्वी से 4600 प्रकाश वर्ष दूर था, बिल्कुल सही है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 4.14 गुना है, चौथा गलत है। ये तीन बिल्कुल सही है ABC, लेकिन चौथा इसका क्या है बताइए? असत्य कथन है, द्रव्यमान के बारे में जो जानकारी है वो असत्य है। आइए 32वां प्रश्न। 29 जुलाई 2019 को किसने उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की? तेजी से आंसर करें आप लोग। हाँ 32वां प्रश्न है, 29 जुलाई 2019 को किसने उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की? आप जानते हैं, आनंदीबेन पटेल जी, है ना, गुजरात की नेता है आनंदीबेन पटेल, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है और इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। सितंबर 2019 में मिदनापुर रेलवे स्टेशन मुफ्त वाईफाई युक्त, मिदनापुर 5000वां रेलवे स्टेशन बना, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपसे पूछा गया यह कहां स्थित है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए 34वां प्रश्न है आपका। वर्ष 2020 में 8वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच का आयोजन कहां किया गया? हेग में किया गया, है ना, हेग में किया गया। 35वां प्रश्न है आपका। 22 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनल गांधी म्यूजियम की आधारशिला रखी ह्यूस्टन में। कहां पर रखी? ह्यूस्टन में। देखिए मैं कुछ चीजें यहां पे आपको स्पष्ट कर दूं। करंट अफेयर्स की जो ये श्रृंखला है ये लगातार आपकी नहीं चलेगी, आज है, अब आज के बाद परसों ये श्रृंखला आपकी आयोजित की गई, एक दिन के अंतराल के बाद इस श्रृंखला को हमेशा लेकर आऊंगा ताकि गुणवत्ता इस श्रृंखला की बनी रहे। संस्थान में NTPC का बैच चल रहा है, UPSI का बैच चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट का बैच चल रहा है। आप में से जो भी सदस्य इन बैचेज में एडमिशन लेना चाहे वो नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर फोन करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आज चूंकि काफी दिन बाद पहला रटलो लेके आया था इसलिए प्रश्नों की संख्या 35 ही रखी, अगले रटलो में निश्चित रूप से प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी और व्याख्या भी कुछ ज्यादा होगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, कैसा लगा? संस्थान के लिए आपके फीडबैक हमेशा अमूल्य रहे हैं, आप अपने फीडबैक हमें जरूर प्रदान करें। आज मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्कार।